हमेशा ये समझती हूँ आपके हिस्से में जो होता है आपको मिल ही जाता है। शायद मैं आपके हिस्से का था। अरे इतना क्या सोच रही है, जो मेरे हिस्से का है मुझे मिल जाएगा। अब हाँ दीदी, हाँ 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 बस निकल ही रही हूँ। कितना हुआ? 100 रुपये। हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ आ ही रही हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। भैया से पैक कर दो। लक्षु खाना तो बन गया है, तू एक काम करना 7:30 बजे तक ना पापा को जीरे का पानी दे देना और अम्मा को चाय। हाँ लेकिन आंटी ने पूछ लिया आप कहाँ हैं, तो तू बोल देना मैं सब्जी लेने गई हूँ। हाँ दीदी लेकिन आप सब्जी लेने तो सुबह जाती हो ना। लक्षु संभाल लेना ना, मेरा गायत्री मौसी से मिलना बहुत जरूरी है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया, कमरे से बाहर ही नहीं आई है। देखा ना तूने, ऐसा तो कभी नहीं करती हैं। एक बार गायत्री मौसी से मिल लूं, उनसे बात करके पता तो चले हुआ क्या है। ठीक है। मैं तुमको कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? एक तो हमारी सगाई इतनी जल्दी में हो रही है, मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। It's just, I'm just missing you, यार। I love you. Please call me back fast. कार्तिक क्या हुआ, आप यू रेडी हो के ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? क्या कहूं मां, समझती हूं मैं। आज इतना बड़ा दिन है, इस खुशी का कब से इंतजार था मैं। फाइनली सगाई भी होने जा रही है लेकिन लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ना डैड आ रहे हैं, ना नमन और निधि आ रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है।